देह गोप मन मथुरा आत्मा वृंदावन झुरे हरे हरे वंदे गुरुं पदद्वंदं भक्तवृंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदं सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समाजुक्तं वृंदावनं मनोहरं कालयति नयना देशे देशे बालेता पंकजमेव मृदो मारुत चलेता समोदिता मनसी जबाधा कलयति नयना कलयति नयना परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणा वारिधि गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव वृंद शुद्धि भक्त वृंद समस्त चरण रे अधमर यथाथ प्रणाम स्वीकार हो। प्रिय आत्मन आम मैने क्रम भाव श्रवण करुचे जयदेव गोस्वामी पादंग द्वारा वर्णित केशव धृत मीन शरीर केशव धृत कच्छप रूप केशव धृत वराह रूप केशव धृत नरहरी रूप केशव धृत वामन रूप केशव धृत भृगुपति रूप ये षष्ठ अवतार जे होचंती भगवान कर परशुराम अवतार भगवान परशुराम रूप रे अवतरित हेले क्षत्रिय मानंकु क्षत्रिय मानक रुधिर रे गोटे हृदय तैयारी कले तीर्थ हेगला ताको जयदेव गोस्वामी पाद भल सुंदर भाव रे वर्णना कले क्षत्रिय रुधिर मए जग तपगत पावन पायासे समित भावतापं केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमय जगत पगत पापम जगतर पाप को निवारण कले ब्राह्मण विद्वेषी क्षत्रिय मानंकु जे 21 थर विनाश करदेले सारा पृथ्वी रे आ ब्राह्मण मानंकु सारा पृथ्वी की दान कले सेचंदी परशुराम अवतार विशेष भावरे कुआ जाए सप्त जा सात जन होचंती चिरंजीवी कि अस्वस्थ मां बलेर व्यास हनुमांश्च विभीषण कृपा
सो रामस्य सप्ते ते चिरजीविनः। अश्वस्थमा जे द्रोणाचार्यंकर नंदन महाभारतर जे होचंति अंतिम महाभारत युद्धर शेष सेनापति अश्वस्थमा से होचंति चिरंजीवी। किए सापरु किए अभिशापरु किए बा निजर जश ख्यातिरु कि भगवानकर कृपारु किए किए चिरंजीवी होचंति। अभिशाप ग्रस्त ही अश्वस्थमा चिरंजीवी बलि आउ जने बलि महाराज जे बामन देवंक अवतार जे बामन देव जहां को विशेष कृपा कले बलि महाराज चिरंजीवी। आउ जने होचंति व्यास देव बलिर व्यास भगवानकर सत्यावेश अवतार जे वेद को चारि भाग कले बार उपनिषद लिखिले वेदांत सूत्र महाभारत आदि ग्रंथ को रचना कले व्यासदेव भगवानकर अवतार से मध्य होचंति चिरंजीवी। एवं हनुमान हनुमान जी भगवान राम तांगु चिरंजीवी कर देले राम अवतारे भगवान दी जन को चिरंजीवी कले जणे होचंति विभीषण आ जणे होचंति हनुमान। अतएव हनुमानश्च विभीषणः कृपः महाभारतर आउ जणे नायक आउ जणे विशेष योद्धा रथी जणे जे होचंति कृपाचार्य कुरु वंशर जे पुरोहित थिले कुलगुरु थिले कृपाचार्य। एवं आउ जणे होचंति परशुराम परशुराम माने भगवान परशुराम। एई सात जण होचंति चिरंजीवी। सकाळ उठिले जदि सात चिरंजीवींकर नाम निया जाए कुहा जाए निरोगी भावरे सहे वर्ष पर्यंत से बंचिवे। तेणु सहे वर्ष बंचिवा को हेले सकाळ ये चिरंजीवी मानकर नाम को नवा दरकार। छतरे परशुराम अवतार भगवानकर होची रौद्र रसर अधिष्ठाता होचंती परशुराम जी। सज्जन रस होची दी प्रकार साहित्य विचार करा जाए गोटे होची मुख्य रस आ गोटे होची गौण रस। मुख्य रस रे शांत दास्य सख्य वात्सल्य एवं मधुर ये पांच होची मुख्य रस आउ सातटी होचंती गौण रस। गौण रस रे वीर विवश्च रौद्र भयानक करुण एभली सात रस होचंती गौण रस। से रौद्र रसर जे अधिष्ठाता से होचंती परशुराम जी। आउ परशुराम को जदि निया जाए से हेवे धीरो धत्त नायक। परशुराम कर अनेक नाम तांको कहा जाए भृगुपति भार्गव राम परशुराम। जेमिति रघुकूल रे जन्म हेथिले बोली भगवान श्रीराम को रघुपति बा राघव बोली कहा जाए ये परशुराम जी सेमती भृगुवंश रे आसीथिबा हेतु किंतु भृगुवंश रे परम योद्धा आउ वीर भगवत अवतार हेथिबा हेतु तांको मध्य कहा जाए भार्गव बा भृगुपति। केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। चतरे ये परशुराम कर विशेष होची जे ब्राह्मण विद्वेषी क्षत्रिय मानंकु जे विनाश करिथिले थरे नुह कि दि थर नुह सारा पृथ्वी को एकोईशी थर निक्षत्रिय कर देले परशुराम अवतारे। ब्राह्मण रूप किंतु क्षत्रिय स्वभाव रौद्र रसर विशेष प्रकाश पाई जे परशुराम अवतार रे देखा जाए। एभली भावरे क्षत्रिय मान को विनाश कले से मानकर क्षत्रिय रुधिरमय से मानकर रुधिर माने रक्त रक्त रे गोटे ह्रद तैयारी कले कुरुक्षेत्र जहाँ विद्यमान ह्रद तीर्थ बोली जहाँ को कहा जाए जो जगह परम पवित्र होंती भक्त माने। परशुराम जयंती मध्य कहा जाए अक्षय तृतीया वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे जे परशुराम अवतीर्ण हेले धरावतरण कले तेणु अक्षय तृतीया को मध्य कहा जाए परशुराम जयंती। भगवान करे अवतार तृतीय त्रेता जुगरे प्रकट होती तेणु परशुराम एपरी अनेक कथा अनेक वैशिष्ट्य आमे किंतु विचार करिवा। परशुराम विशेष तीन जन शिष्य
जहाँ महाभारत रे विशेष तांकर योग्यता देखा जाए जे पितामह भीष्म कुरुकुलर एवं आउ जणे योद्धा होचंती द्रोणाचार्य आउ जणे होचंती महावीर कर्ण दानी कर्ण बोली जहाँ को कहा जाए जे कुरु पक्षरु कौरव मानक पक्षरु महाभारत रे युद्ध लड़ी थिले एवं तांका उपरे कर्ण उपरे विशेष भरासा थिला दुर्योधनर किंतु भीष्म पितामह परे जे सेनापतित्व को द्रोणाचार्य ग्रहण करथिले तापरे कर्ण ग्रहण कले आउ कर्ण सतरे अतिरथी वीर किंतु द्रोणाचार्य पाखरु शिष्यत्व ग्रहण करी युद्ध विद्या शिक्षा को चाहिले किंतु शिक्षा ग्रहण करी पारिनथिले। परशुराम निकट को गले जे द्रोणाचार्यंकर मध्य गुरु थिले आउ परशुराम निकट रे ब्राह्मण बोली परिचय देले आउ युद्ध विद्या सब ग्रहण कले मंत्र संग्रह करनेले किंतु विडंबना परशुराम थरे शयन करिचंदी मस्तक देई जे कर्णक निकट रे गोटे भ्रमर पक्षी जंगली कीट जंघ को काटिबा को लागिला किंतु गुरुदेव शयन करिचंदी कर्ण उठिलेनी रक्त धार धार बही जेतले परशुराम को निकट रे स्पर्श कला सेतेबेले थंडा लागिबा हेतु उठि पड़िले। परशुराम को निद्रा भंग होला देखिले गोटे कीट काटुची रुधिर बही जाउची पचारले तमें जे हुओ किंतु ब्राह्मण ही परिवने तमें निश्चित क्षत्रिय संतान तेणु मुँ अभिशाप दौची क्षेत्र मठर समस्त अस्त्र विद्या ग्रहण करिच किंतु मुँ अभिशाप दौची दरकार समय से विद्या तुमर काम आसवनी अभिशप्त हेले कर्ण आउ सतुकु सत अर्जुन सहित युद्ध लड़ा समय वास्तव विद्या किंतु स्मरण रे आसिलानी कर्ण मरिबा को बाध्य हेले। अतएव सज्जन ये परशुराम तीन शिष्य जणे होचंती पितामह भीष्म आउ जणे द्रोणाचार्य जे कुरुगुलकुम जे युद्ध विद्यार गुरु कौरव आ पांडव मानकर जहाँ अत्यंत स्नेही शिष्य थिले अर्जुन एवं आउ जणे होचंती कर्ण ये तीन जण होचंती परशुराम विशेष शिष्य। परशुराम जे गुरु होचंती देवदेव महादेव महादेव शंकर जी हिमालय रे भगवान परशुराम महादेव को विशेष तपस्या करी प्रसन्न कले जहाँफल महादेव तंकु विशेष अस्त्र मध्य प्रदान कले जार नाम जी पिनाक धनु बा शिव धनु। परशुराम से धनु द्वारा अनेक थर निक्षत्रिय करिचंदी क्षत्रिय मानकु पराजय करिचंदी किंतु जेतेबेले शेषरे गुरुदेव को आदेश रे तपस्या करिवाकु बाहरले सेतेबेले शिवजी आदेश देले जे धनु को तमे मोर दी जण प्रिय शिष्य दी जण प्रिय व्यक्ति की देव जणे होचंती रावण आउ जणे नतुआ जनक महर्षि को। परशुराम जेतले रावण को देवाई जाइले सत किंतु धनु देलेनी कारण कौन अधिकारिता थिले कारण शिवजी शिव महादेव देव महादेव आदेश देचंती किंतु अयोग्यता थिला परशुराम नदे फेरी आसिले जनक महर्षि को योग्य अधिकारी देखी आ प्रदान करथिले। आपण जानती समस्ते सीता देवी स्वयंवर रे से शिवधनु भंगर कथा पलि आसे। अतएव परशुराम ये विशेष भाव अवदान होची जगत को कि शिवधनु भगवान शंकर को प्रसन्न करी जी धनु को प्राप्त होते आरशु आदि अनेक अनेक अस्त्र को प्राप्त होते सतरे परशुराम अवतार कथा श्रीमद भागवतर नवम स्कंदरे विशेष भाव वर्णना करिचंती। कह जाए कनौज देशर जणे राजा थिले जांकर नाम होची गाधी सीए तांकर जणे कन्या थिले तांकर नाम होचंती सत्यवती। सत्यवती रूप गुण एते सौंदर्य एते गुणवती से थिले जे रूपवती गुणवती थिले जणे ऋषि जांकर नाम होची रुचिक रुचिकी तांकु देखि आकृष्ट हेले आउ विवाह करिया पई मन बळेले प्रस्ताव देले किंतु जे गाधी कहिले जे मोर कन्या सत्यवती को मुंतांकु विवाह करिवेनी किंतु विवाह देवी गोटे शर्त रे कौन शर्त मोर कन्या पई जे 1000 घोड़ा नहीं के आसीबे जहांकर सर्वांग शरीर हेथिव धवळ वर्ण केसर आजी
आवृत होइकि थिवो किंतु गोटे कान केवल कला थिवो सेथिरे रुचि कि किंतु समर्थ होइगले वरुणपुर रे प्रवेश करी वरुण दयारु 1000 घोड़ा जी जहांगीर समस्त शरीर होची सर्वांग शरीर धवल केश जराजी द्वारा आवृत होइकि अछंति आउ गोटे कान कला अछि आनी अर्पण करदेले केबे आशा करि पार नथिले गाधी जे मोर झियो बदल रे झियो पाई इत्ते गुड़े घोड़ा नहीं के आसीबे आउ रुचिकता को देले आउ विवाह कले सत्यवती को किछि दिन परे रुचिकर विशेष तपस्या रे सिद्धि थिले तेणु रुचिक तापरे पुत्र कामना पई तांकर पत्नी जे सत्यवती एवं तांकर सासु मध्य सासु बहु दुई जन जाक पत्नी एवं बहु मध्य कामना कले कि पुत्र प्राप्ति बर्थे आ रुचिक देवे वे समस्त कामना तो पूरण करिवे सतरे रुचिक मुनि को जेतले प्रार्थना कले पत्नी एवं सासु जे पुत्र प्राप्ति अर्थरे रुचिक मुनि यज्ञ कले विशेष भाव निजर विशेष सिद्धुरु दुईटी चरु पात्र मंत्रपूत कर रखिले गोटे निजर पत्नी को पाई आउ गोटे निजर सासु को पाई अर्पण करदेले किंतु सासु टिके लोभी हो गले चिंता कले मोठारु तांकर पत्नी की से निश्चित भल चरु देथिवे तेणु निज झियो को सत्यवती की कहले देवी हे कन्या शुण से चरुतिक मते दे दियो मोर चरु तमे नहीं जाओ उन्नत पुत्र प्राप्ति अर्थरे कामना करी झियो को निवेदन करिया परे सत्यवती दे देले आसीबा परे रुचिक किंतु मुनि मंत्र द्वारा ऋषयः मंत्र द्रष्टार सब किछि जानिगले आउ निजर पत्नी की कहले देवी तमे बहुत बड़ भूल करी बसिल निजर चरु तमे अदल बदल कल जा फलरे तमर जे पुत्र हेबे सी ब्राह्मण शरीर हब किंतु घोर हेबे भयानक हेबे स्वभाव रे क्षत्रिय स्वभाव उग्र स्वभाव हे जीव पत्नी सत्यवती गोड़ धरि पकेले चरण रे पड़गले कहले हे प्रभु हे पतिदेव आपण एथरु मते रक्षा करि पारिबे मोर कौनसी भूल नाही जहाँ किछि मु तो दान कर देली दया देखेली किंतु क्षमा कर दियंतु एई भली किछि अनर्थ न हो रुचिकर जे पत्नी सत्यवतींकर पुत्र हेले जमदग्नि आउ जमदग्निकर जे पुत्र हेले से होचंती भगवान परशुराम जी बोल परशुराम भगवान की जय भगवान परशुराम जमदग्निकर ठारू जे तांकर जने रेणु ऋषिंकर कन्या जहांकर नाम होची रेणुका आ रेणुकांकर ए दी जन को आश्रय करी भगवान परशुराम जगत रे अवतरित हेले देखा जाए कि जमदग्नि आ रेणुका ठारू पांच पुत्र जन्म हेतिले वसुमान वसुसेन वसु विश्वावसु एवं राम ये कनिष्ठ होचंती राम किंतु से सबु समय रे परशु माने फारसा धरी बुलवा जो तांकर नाम हला परशुराम सी भगवान कहा जाए शास्त्र एपरी वर्णना होती हय वंश को विनाश करने परशुराम अवतार आ तार अधिपति होचंती कार्तवीर्य क्षत्रिय कुलर धूमकेतु विशेष क्षत्रिय महापराक्रमशाली किंतु भगवान दत्तात्रेय को अति घोर तपस्या करी पूजा अर्चना करी संतुष्ट कर दे दत्तात्रेय प्रसन्न है कार्तवीर्ज को 101,000 बाहु प्रदान कले और अजयत्व प्रदान कले से दिन ठारु कार्तवीर्ज अर्जुन तांकर नाम हला सहस्रा अर्जुन सहस्रा अर्जुन नाम से परिचित हेले दत्तात्रेय को प्रसन्न करथिवा हेतु विशेष फल पाइले किंतु विशेष एपरि मध्य कथा आसे सहस्रार्जुन थरे नर्मदा नदी रे जल क्रीड़ा करुथिले अनेक अनेक स्त्री सुंदरी रूपवती नारी मानक सहित स्त्री मानक सहित किंतु सेठी निजर खेल कौतुक हजार बाहु द्वारा नर्मदार बेग को जल प्रवाह स्रोत को बेग को रुद्ध करदेले आ विपरीत दिगरे रावण तपस्या करुथला रावण शिविर थिला सेठी
ଜଳର ସ୍ରୋତ ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ରାବଣ ଶିବିର ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲା, ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାବଣ ସେହି ଜାଗାରେ ଦଶାନନ ରାବଣ ଆସି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅପମାନ ବୋଧ କଲେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ। ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ରାବଣକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ମହିଷ୍ମତିରେ ନେଇକି ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ପଲ୍ୟସ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ପରେ ନିବେଦନ କ୍ରମେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅତେବ ଏ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ଧୂମକେତୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଅବତାରେ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ବିନାଶ କଲେ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେହି ରସରେ, କୀର୍ତ୍ତନର ମହାରାସରେ ଟିକେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବା। हरे हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, हरे हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ, राधा मदन मोहन जय दाओ जय दाओ, राधा मदन मोहन जय दाओ जय दाओ, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, देह गोप मन मथुरा आत्मा वृंदावन झुरे, हरे 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 कृष्ण। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।